अगर आपको पता हो आपने अच्छे से सॉल्व किया हो सो यूल टू सॉल्व मोर देन टेन क्वेश्चन अगर आपको ये प्रॉब्लम क्लियर करना है और हम जो रिसोर्स यूज करेंगे दैट वुड बी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन बाय विवेक सिंह सीनियर फैकल्टी इन दिल्ली एंड एक क्वेश्चन है प्लस बजट इकोनॉमिक सर्वे ये सब चीजों से क्वेश्चन डालते हैं विच इज रियली वेरी हेल्पफुल कैंडिडेट सो हमारा जो मेथड रहेगा दैट वुड बी कि मैं पहले ही ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और Uh, हम हर एक लेक्चर में uh, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कस करेंगे ठीक है म, मैं सॉल्यूशंस आपको पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपका काम रहेगा कि वो सॉल्यूशन आप अपने फ्री टाइम में रिवाइज करते हुए पढ़े और अगर कोई भी डाउट हो सो अगेन कमेंट एंड आई ट्राई एंड एड्रेस दो यू कैन सी अराउंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन है और अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स काफी लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये रिसोर्स को कैसे पढ़ना है और कैसे यूज करना है सो so, हम इसको ईजी कर देंगे इस प्रोसेस को टू एक्सेस एंड यूज दीज नोट्स ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी अबाउट जी डी पी दैट इज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट हम आए दिन सुनते भी रहते हैं और बेसिक्स में सबसे पहले आपने इन्हीं के बारे में पढ़ा होगा जीडीपी so, की जो डेफिनेशन होती है टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन पीरियड टाइम ओके इसके कैलकुलेशन के तीन मेथड्स भी होते हैं वो आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे सो so, अब पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज पार्ट ऑफ इंडिया जी डी पी ठीक है सो so, अब मैं अगर आपको बोलूँ की एक्टिविटीज इन इंडियन एम्बेसीज कॉन्सुलेट इन अदर कंट्रीज ये आपको लगेगा कि अगर दूसरी कंट्री में हाउ कुड दिस बी पार्ट ऑफ इंडिया जी डी पी ओके फेयर एंडफ एयर इंडिया सर्विस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज सो आप ये भी बोलेंगे कि अगर एयर इंडिया सर्विस चल रही है बिटवीन लेट्स सिंगापुर और कोलंबो के बीच में श्रीलंका के बीच में सो so वो इंडिया की जी डी पी का पार्ट कैसे होगा ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर्स ठीक है सो so, ये अगेन से कि भाई ये तो activity ही हमारी बाउंड्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर हो रही है सो so, आप इसके लिए भी होंगे और fourth है कि कि भाई अग्री आके इंडियन बाउंड्री में कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके लिए वो परचेज कर रहे हैं के लिए हमारे पास आंसर ये लेट्स सी कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है सो जैसे मैंने कहा कि इट इज द जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सी जो यहाँ पर डोमेस्टिक बाउंड्री है ना दैट इज नॉट सेम एज आवर पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि इंडिया का जो मैप है वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री का कांसेप्ट नहीं आ रहा डोमेस्टिक बाउंड्री में काफी और चीजें भी आ रही हैं फॉर एग्जाम्पल जीडीपी में एम्बसीज जो हमारी हैं बाकी कंट्रीज में फॉर द पर्पज ऑफ कैल्कुलेटिंग जीडीपी वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी दैट इज कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है सेकेंडली एयर इंडिया फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया इज अ एयरलाइन विच इज रन बाई इंडियन कंपनी ठीक है सो so, जो वहां से पैसा आएगा उसके टैक्सेस भी इंडिया में आएंगे प्रॉफिट भी इंडिया में आएगा सो so, अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी दैट वुड वुड बी बी एडेड टू इंडिया इंडिया ओनली सो एयर पार्ट ऑफ डी पी ठीक है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वार्टर्स अगेन जो इंटरनेशनल वार्डर्स पहली बात तो इंटरनेशनल वार्टर्स किसी की भी टेरिटरी में नहीं है दे आर नॉट इन टेरिटरी ऑफ एनी अंदर एनी नेशन ठीक है सो इंटरनेशनल वार्डर्स में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है फॉर एग्जाम्पल

ठीक है और और चीजें हमें ये पता चली कि शिप्स एयरक्राफ्ट जो भी इंडियन रेजिडेंट उड़ा रहे हैं चाहे वो किसी और देश के बीच में ही हो बट उसका प्रॉफिट जब तक यहां पे आ रहा है जब तक उसके टैक्सेस यहाँ पे पे किए जा रहे हैं दैट वुड बी पार्ट ऑफ आर जी थर्डली हमें ये पता चला कि हम सपोज इंडियन ओशन में हमारे पॉलीमेटेलिक नेड्यूल्स का हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या फिर ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या फिर गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं लेट्स सी रिलायंस वहां पे जाके एक्सप्लोर कर रही है सो ये रिलायंस जब गैस आके लाएगी और इंडिया में ही लाएगी या फिर बेचेगी भी तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो वापस इंडिया में ही आएगा इन द सेंस कि रिलायंस जो है वो तो टैक्सेस इंडिया में आके पे करेगी अपना प्रॉफिट इंडिया में आके रखेगी और उस अपने बुक्स इंडिया में आके डिस्प्ले करेगी सो so, वो जीडीपी का पार्ट होगा और चौथा तो हमें ये पता चला कि एम्बेसीज वगैरह जो कॉन्सुलेट्स हैं वो जी डी पी वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हमारी जीडीपी का पार्ट होती है ओके, okay, सो so इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा uh, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है बट हमें ज्यादातर पता नहीं होता नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जी डी पी अगेन जीडीपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं पहला स्टेटमेंट इट इज द वैल्यू एडेड बाई ठीक है जी डी पी के तीन मेथड्स प्रोमिनेंटली यूज किए जाते हैं पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड मेथड यानी कि इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एड की जा रही है अब इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको लू फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वर्थ रुपीज फिफ्टी ठीक है अब ये वीट जो है वो ये फिफ्टी रुपीज का वीट एक ब्रेड मेकिंग कंपनी को देता है और ये ब्रेड ब्रेड प्रोड्यूस करती है रुपीज हंड्रेड का यानी कि फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की रुपीज फिफ्टी क्योंकि उसने जब इन्वेस्ट किया था लेट से उसने तो कोई उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी उसके पास जो गेहूं था वो पिछले साल का उसने एज सीड यूज किया सो फार्मर ने रुपीज फिफ्टी की इन्वेस्टमेंट की और वो जीरो की इन्वेस्टमेंट की और रुपीज फिफ्टी की वैल्यू एड की ठीक है ये वैल्यू एडेड बाय फार्मर होगी अब फार्मर ने अपना ब्रेड बेचा पचास रुपए का ब्रेड मेकिंग कंपनी को और उसने वैल्यू एड की रुपीज फिफ्टी की ठीक है सो so, उसने बेचा और ब्रेड बेकिंग कंपनी फिफ्टी रुपीज की वैल्यू एड करके रुपीज हंड्रेड का ब्रेड बेचा सो वैल्यू एडेड टोटल कितनी होगी रुपीज फिफ्टी प्लस रुपीज फिफ्टी एडिड ब्रेड बेकिंग कंपनी यानी कि रुपीज हंड्रेड वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी रुपीज हंड्रेड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की वैल्यू एड हो रही है मेथड तो ये कहता है कि जी डी पी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई डिफरेंट सेक्टर्स यानी कि जो हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स हैं वो कितना पैसा खर्च रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी जीडीपी कितनी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड जो चार सेक्टर हम यहां पे देखते हैं दे आर हाउस होल्ड सेक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर देन प्राइवेट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर सो फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर सौ रुपए का प्रोडक्ट हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है सौ रुपए का प्रोडक्ट गवर्नमेंट सेक्टर खरीदती है मार्केट में से इकोनॉमी में से प्राइवेट सेक्टर लेट से 150 का खरीदता है और एक्सटर्नल भी हमारे पास 150 बचता है सो so, इनका जो सम होगा दैट वुड बी आर जीडीपी ठीक है सो so, हम कितना पैसा खर्च नहीं देखिए हम हम उतना ही पैसा खर्च पाए खर्च पाएंगे जितना हम प्रोड्यूस करेंगे ठीक है अगर नहीं अगर पैसा अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा बेचने के लिए तो हम खरीदे कहा एक्सपेंडिचर उतना ही होगा जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जितनी हम वैल्यू एड कर रहे हैं मार्केट में ओके okay? सो so, ये रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड का और अगर हम इसमें से जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे तो वो हमारा फाइनल जीडीपी आ जाएगा क्यों क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन किसी और देश में हो रही है वो वैल्यू एडेड किसी और देश में हो रही है दैट इज वाई इम्पोर्ट आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके okay. और तीसरा जो मेथड है दैट इज इनकम मेथड जी डी पी की वैल्यू उतनी है जितनी इनकम uh, होगी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है इसको भी एक बार देख लेते हैं सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं दीज आर इनपुट्स दैट आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ गुड्स एंड सर्विस अगर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है लेट्स लेट्स से से आपको आपको एक एक स्टील का एक, से आपको ट्रैक्टर बनाना है तो आपको उसमें कुछ इनपुट्स इनपुट पहले आपको उसके लिए चाहिए होगा बनाने के लिए जो इंसान बनाएगा जिसका आइडिया होगा देट वुड जो अपना दिमाग लगाएगा जो एक आइडिया लेके आएगा पूरा उसको तो सोचेगा उसके बारे में रिस्क लेगा सेकेंड उसको बनाने के लिए चाहिए होगा कैपिटल पैसा इन्वेस्टमेंट ओके okay. चाहिए होंगे रिसोर्सेस लैंड चाहिए होगा रॉ मटेरियल चाहिए होगा फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए होगा ओके okay. और फोर्थ चाहिए होगा लेबर अल्टीमेटली आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स होंगे जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएंगे ट्रैक्टर को बनाने के लिए आपको मैकेनिक्स चाहिए होंगे आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे इलेक्ट्रिशियंस चाहिए होंगे ओके okay. सो so, ये चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये जो मनी रिसीव करते हैं जो इनकम ये जनरेट करते हैं दैट सम इज इक्वल टू आर जीडीपी ओके सो इनकम रिसीव बाय ऑन्टरप्रन क्या होगा ऑन्टरप्रनोर को प्रॉफिट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई प्रोजेक्ट खोल रहा हूं तो कल जो उससे पैसा आएगा दैट वुड बी माई प्रॉफिट जो कैपिटल देगा जो मुझे पैसा देगा फॉर एग्जाम्पल बैंक अगर मुझे पैसे देंगे तो उसका मिलेगा उनको इंटरेस्ट रिसोर्सेस अगर मैं किसी से लैंड रेंट पे लेता हूं तो उसको क्या मिलेगा रेंट और लेबर को क्या मिलेगी वेज

इनकम रिसीव बाय फोर अभी तक चीज आपको क्लियर होगी और इससे हमारा आंसर आ जाता है डी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट डाउट है प्लीज डू uh, लेट मी नो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आ गया कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट

ये अपने आप में एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है जो आप और मैं एज कंज्यूमर यूज कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल अगर मैं लू लेट से स्टील स्टील इज एन हम को एसेट यूज नहीं करते हैं स्टील इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका यूज होता है लेट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ओके okay. वहां पे इसका यूज होगा फॉर मेकिंग कार्स फॉर मेकिंग ट्रक्स फॉर मेकिंग से एरोप्लेन सो स्टील इज एन इंटरमीडिएट गुड और जब स्टील को हम एक फिर से प्रोसेस में डाल के उसका एक फाइनल ग्रुप प्रोडक्ट बनाएंगे सो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दो तरह का पहला कंजम्पशन जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल कार ओके कार हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं हमारा फाइन फाइनल एंड यही है कि हम कार को अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं ओके okay. और सेकंड फाइनल प्रोडक्ट आएगा कैपिटल गुड और कैपिटल गुड का यह खासियत है कि इट अगेन एक्ट एज एन इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ओके सो कंजम्शन गुड हो गया जो फाइनल गुड है जिसके बाद उसमें उसकी उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगी दैट वुड बी फाइनली यूज बाय कंज्यूमर ओनली कैपिटल गुड है दैट इज यूज एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल मशीनरी जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है जेसीबी सी बी मशीन है ट्रैक्टर है दे हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है सो दीज आर कैपिटल गुड्स अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है सी इंटरमीडिएट गुड जो है सेमी फिनिश्ड गुड है इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है फॉर एग्जांपल स्टील अगर मैं यूज कर रहा हूं टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल तो उसके बाद में स्टील स्टील नहीं बचेगा उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा दैट वुड बी डिफरेंट व्हाइल कैपिटल गुड जो है इसका ये प्रोडक्शन प्रोसेस में देयर आर नो चेंजेस एक ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही रहेगा एक जेसीबी जेसीबी ही रहेगी मशीनस जो इंडस्ट्रीज में यूज होंगी दे डोंट चेंज इन देयर फॉर्म ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट कैपिटल गुड्स गुड्स आर फाइनल नॉट एज एन इनपुट ये गलत है और सेकंड है कि इंटरमीडिएट गुड्स 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 आर कैपिटल कैपिटल सी की डेफिनेशन हमने डिफरेंस देख लिया कि कैपिटल गुड्स दे आर इन प्रोडक्शन प्रोसेस जस्ट लाइक इंटरमीडिएट गुड्स बट इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती ओके वाइल इंटरमीडिएट गुड्स की फॉर्म चेंज हो जाती है सो so, अगर आपसे कोई बोले कि स्टील जो है इज इट अ कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड यू ऑलवेज इट्स एन इंटरमीडिएट गुड

पहला है कि इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी नहीं कैलकुलेट की जाती, दूसरा जातीसपोर्ट so पहले अगर हम देख ले कि इनफॉर्मल एक्टिविटीज होती क्या है? Activities वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय स्टेट और गवर्नमेंट ठीक है, वो है as, uh, economic, economic example, आपके घर में जो हाउसमेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज कोई स्टेट रेगुलेट नहीं कर रही है रेगुलेशंस हैं भी तो बहुत ही सेकेंडरी uh, रेगुलेशंस हैं कुछ डायरेक्ट कोई रेगुलेशंस नहीं है uh, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनको जो इनकम मिलती है दे डोंट पे एनी डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू इट ठीक है सो ऐसी इकोनॉमी जिसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल है क्यों क्योंकि यू डोंट हैव पेपर वर्क आपके पास पेपर वर्क नहीं है कि वहां पे कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं कितना वो कमा रहे हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं है गवर्नमेंट के साथ में तो उनको पता नहीं है कि उनकी इनकम कितनी है ओके सो हैविंग सेड दिस अब आपको लगेगा कि अच्छा ये बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये कितना कर रहे हैं तो आधे पार्ट ऑफ जी सो इसी एग्जाम्पल को अगर आप आगे लेके चले कि आप हमारे जो हाउस मेट हैं या डोमेस्टिक हेल्प जो है उनको जो हम पेमेंट करते हैं उनकी जो इनकम है जो उनको हम पे करते हैं वो पेमेंट इज देर इनकम और वो इनकम जब जाके वो कोई चीज खरीदते हैं ठीक है वो लेट से साबुन खरीदते हैं अब साबुन खरीदने के लिए दुकानदार के पास साबुन कहां से है इट्स कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री अ फैक्ट्री ठीक है फैक्ट्री इज पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर सो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली वो जो पैसा वो खर्च रहे हैं वो भी जीडीपी का पार्ट होगा ठीक है सो so, ये कहना गलत होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन ठीक है सो सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पहला गलत सेकेंड री एक्सपोर्ट अब री एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि कोई चीज हम बाहर के देश से इंपोर्ट करते हैं फॉर सम रीजन और उसको उसी ही हालत में विदाउट एनी चेंज इन इट्स फॉर्म और इन इट्स शेप और इट्स फॉर यूज हम जैसे कि दस उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को टेस्ट करने के लिए एक मशीन मंगवाते हैं लेट्स ऑस्ट्रेलिया से हमने मशीन मंगवाई आ, कोल की क्वालिटी चेक करने के लिए ठीक है बट हमने वो उस मशीन को यूज किए बगैर ही या कुछ टाइम के लिए यूज करके वापस भेज दिया उसको ठीक है सो so, कुछ पैसा उसमें से कटेगा या हमें मिलेगा ये पूरे प्रोसेस में एंड दैट मनी इज पार्ट ऑफ आर जीडीपी सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट करेक्ट सो इसका आंसर रहेगा नीदर वन नीदर टू ठीक है सो दिस वाज एन अदर इम्पोर्टेंट फैसेट ऑफ जीडीपी सी अभी आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते ही कम है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मे भी आएंगे नहीं आएंगे सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज की अगर हम ये क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भी हमें इससे जीडीपी के लिए काफी कुछ पता चल रहा है पहला पहले क्वेश्चन से हमें पता चला कि जीडीपी कौन सी एक्टिविटीज जीडीपी का पार्ट है सेकंड से हमें पता चला कि जीडीपी कैलकुलेशन किस किस तरीके से होती है थर्ड से हमें पता चला कि कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स में फर्क क्या है फोर्थ से हमें पता चला कि जीडीपी कैलकुलेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है ठीक है सो ऑल दीज क्वेश्चन ब्रॉडन यूर होराइजन आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं रिगार्डिंग जीडीपी इसी से कनेक्टेड लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ठीक है सो so पहले इन कॉन्सेप्ट को देखते हैं सी अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो रियल जीडीपी जो है ये मेजर करती है ग्रोथ इन क्वांटिटी और नॉमिनल जीडीपी जो है इट मेजर्स ग्रोथ इन वैल्यू अब मेरा इससे क्या मतलब है सपोज कीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं जहां पे हम बैट्स बेच रहे हैं ठीक है क्रिकेट बैट्स हम बेच रहे हैं और इस साल हमने दो बैट बेचे दो हजार रुपए के ओके सो so, अब हमारी कंपनी की जीडीपी कितनी है लेट से हमारा इनपुट था पांच सौ का तो पंद्रह हमारी जीडीपी थी ठीक है, नेक्स्ट इट से हम कमाते हैं तीन हजार रुपए ठीक है और इसको तीन हजार रुपए कमाने के हमारे पास दो तरीके हैं या तो हम तीन बैट बेच के तीन हजार रुपए कमाए या हम दो ही बैट बेचें, बट उनकी कीमत बढ़ जाए यानी कि उनकी वैल्यू बढ़ जाए ठीक है सो so, पहले जो मेथड होगा इसके थ्रू जो रेट आएगा दैट वुड बी आर रियल जीडीपी यानी कि इफेक्टिवली हमने कमाई कम की है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्यों क्योंकि पिछले साल हमने तीन यूनिट बना के दो यूनिट बना के जितना पैसा कमाया था उस साल इस साल हमने तीन यूनिट बना के उतना पैसा कमाया है ओके और नॉमिनल nominal, नॉमिनली अगर हम देखें तो हमने दो ही बनाए बट उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी फॉर सम रीजन वैल्यू क्यों इंक्रीज होगी लेट से इन्फ्लेशन आ गई मार्केट में महंगाई बढ़ गई या हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी होगी ठीक है जिसके कारण हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई ओके सो so, इन दोनों से के थ्रू हम जीडीपी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं और रियल जीडीपी और नॉमिनल जी अलग अलग चीज है ठीक है आई होप ये आपको समझ आ गया होगा जो सोल्यूशन है उसमें भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहां के थ्रू आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा सो so, अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं सो so, एक कहता है कि इफ इंडिया इज एक्सपेंसिव इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है यानी कि हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है हम जो जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड ट्रू सी ये जो वर्ड है ना मस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे ही अगर मे होल्ड ट्रू होता तो फिर क्वेश्चन का मतलब अलग हो जाता मस्ट मतलब कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट शुड होल्ड ट्रू

अब वैल्यू कैन बी रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एज वेल अगर सपोज महंगाई बढ़ रही है उसके कारण आपकी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्वांटिटी uh, और क्वालिटी दोनों के हिसाब से होती है सो so, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि सही हो ठीक है सो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट थर्ड रेट ऑफ ग्रोथ

रियल जीडीपी तो फिर भी इंक्रीज करेगी बट रेट कम होगा ठीक है सो so, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम अगर ले सिमिलर एग्जाम्पल बैट की एग्जाम्पल अगर हम ले तो अगर इस साल लेट से टेन परसेंट जीडीपी रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट था और हमने हजार से स्टार्ट किया इस साल हम ग्यारह सौ रुपए कमा पे ठीक है नेक्स्ट ईयर अगर नौ परसेंट का ग्रोथ रेट जीडीपी का ग्रोथ रेट है

Uh, और उसके कारण इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी बट लेट्स से सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ इकोनॉमी का या ऑटोमेशन के कारण इंक्रीज हुआ हमने रोबोट्स लगा दिए जी जिसके कारण इकोनॉमी इंक्रीज हुई इस केस में इंप्लॉयमेंट जनरेशन मस्ट नहीं है ना मस्ट इज द की वर्ड हेयर ठीक है सो एज पर ऑल दी स्टेटमेंट ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां पे बन जाता है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज मेजर्ड एज रियल जीडीपी दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस क्वेश्चन ठीक है सो आई होप अगेन दिस क्वेश्चन वुड बी क्लियर टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंस रिसेशन विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू सो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रिसेशन क्या है सो so, रिसेशन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एक ऐसा पीरियड है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है ठीक है डाउन टर्न इन इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है कई बार नेगेटिव भी हो जाता है इंप्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाती है ठीक है इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है सेंट्रल बैंक जो है अपने रेट्स काफी कंजर्वेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है सो so, और इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि जब रियल जीडीपी कि ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो जाता है, यानी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाता है या फिर रियल जीडीपी अपने आप में कम होना हो जाए, यानी कि पिछले में जब बैट्स की हम एग्जाम्पल ले रहे थे तो उसमें अगर ग्यारह की जगह नेक्स्ट ईयर मुझे एक हजार पचास कमाता सो दिस वुड है बहुत सारे और फेसेट्स हैं रिसेशन के और अमेरिका वगैरह में बिन कॉल की ऑलमोस्ट रिसेशन लाइको इंडिया काफी तक बचा हुआ है सो एनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेट सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर एक कर रही है हमने बात कर ली कि पहला डिक्रीज इन रियल जीडीपी सी नॉमिनल जीडीपी में डिक्रीज तो काफी चीजों की वजह से हो सकता है हमने पहली बात की कॉस्ट कम हो जाए प्राइसेस कम हो जाए तो भी नॉमिनल जीडीपी में डिक्रीज होगा इन्फ्लेशन कम हो जाए किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए तो भी नॉमिनल जीडीपी में डिक्रीज होगा ठीक है सो बी इज इनकरेक्ट डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ जी डी अगर डिक्रीज हो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी कम होने पर भी रियल जीडीपी इंक्रीज कर रही थी सो दिस इज अगेन मस्ट इज द की आइडेंटिफायर हेयर की वर्ड है यहाँ पे मस्ट so के अकॉर्डिंग दिसो नॉट ट्री सकता सो ऑप्शन ए वु होप दिस क्लियर टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री सी द कॉन्सेप्ट लाइक नेशनल इनकम जी डी पी जी एन पी एन एन पी ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए और अगर पता होंगे तो ये जो आने वाले पांच सात क्वेश्चन है इस तरह के कोई भी होंगे आप आसानी से कर पाएंगे ठीक है इन क्वेश्चन में जो तो बेसिक्स हैं दे हैव टू तो बी राइट सो मैं एक बार ब्रीफली आपको समझा सकता हूँ बहुत डीप डेप्स में नहीं जाऊंगा बट आपको ये जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और इन क्वेश्चन को सोल्व करके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जीडीपी जीएनपी एक्सेट्रा जो भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो ठीक है फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि नेशनल इनकम वगैरह के हैं क्या सो so, जीडीपी हमें पता चल गया इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी अब उसके अलावा कॉन्सेप्ट आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट सो ये सब क्या है सो so, जी में से अगर हम डेप्रीसिएशन को निकाल दें ठीक है डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी भी एक एसेट की किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी कम होगी ओवर इयर्स, कितना उसमें वियर uh, एंड टीयर होगा एक किसी भी एसेट में दैट वुड बी नोन एज डिप्रिसिएशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल आज आप कोई चीज कोई प्रोडक्ट अपना खरीद रहे हैं कोई मशीन आप बना रहे हैं ठीक है वो एक लाख रुपए की बट नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू पांच हजार रुपए कम होगी बिकॉज ऑफ इट्स एज उसमें वेयर एंड टेयर हुआ लॉसेज हो रहे हैं सो दैट वुड बी नोन एज डिप्रिसिएशन ठीक है सो इकोनॉमी में जितना डिप्रिसिएशन होगा उसके बाद हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है और एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें कब मिलता है जब जीडीपी में से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड कर देते हैं ठीक है सो so पहले हम जान लेते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है सो so ये वो इनकम है विच इज अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट इम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसमें से निकाल लेते हैं फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी सिंपल सी एग्जाम्पल है कि अगर कोई इंडियन कंपनी यूएस में जाके काम कर रही है ज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिखा है जिसमें कैपिटल है ऑंटरप्रनोर uh, है लेबर है देन देर इज नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है सो so, अगर कोई इंडियन ऑन्टरप्रनोर बाहर जाके काम कर रहा है और वहां पर अपनी कंपनी चला रहा है उससे जो पैसा इनकम आएगी दैट वुड भी इनकम अर्न बाय आर डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंप्लॉइड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसमें से हम निकाल देंगे बाहर की कंपनी बाहर का ऑन्टरप्रोनोर इंडिया में आकर जो कमा रहे हैं ठीक है सो दैट वुड बी आर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर ये पॉजिटिव होगी तो हमारा जी एन जीडीपी से ज्यादा होगा अगर कम होगी नेगेटिव होगी नेगेटिव मतलब कि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा कोई यहां पे आके कमा रहा है तो पैसा बाहर जा रहा है ओके सो इन दैट केस जी वुड बी लेसर देन जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा डाउट हो गए फिर से एक्सप्लेन करूंगा बट इन पे काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है, सो so, अब आई होप कि आपको जीएनपी का चल गया होगा अब जीएनपी में से ही अगर हम डिप्रीसिएशन निकाल दें, Again, कितना, में, कितना हो रहा है, में, तो हमें मिलता है, है? बहुत एक इजी तो वे है, है कि नेट जब होगा तो डिप्रिसिएशन निकालना है जीडीपी में से और जब नेट फैक्टर इंक्रीज इनकम हम ऐड कर देंगे तब नेशनल प्रोडक्ट रहेगा कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है सो so, अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है इट इज वट इज नोन एज नेट नेशनल इनकम और 2015 ऑनवर्ड्स इसको हम मार्केट प्राइस पे लेते हैं ठीक है दो तरह की प्राइसेस होती हैं एक होती है हम मार्केट प्राइस किसी भी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट्स को जब हम वे करते हैं तो दो तरह की प्राइसेस होती हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस फैक्टर प्राइस होती है प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ठीक है यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रॉफिट रेंट एट्रा जो हमने चार डिस्कस किए थे वो कितना प्राइस वो कितना कमा रहे हैं उनमें कितना पैसा लग रहा है टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज नोन एज फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस जो होती है वो होती है फैक्टर प्राइस उसमें एड कर दे अगर हम टैक्सेस अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसके बाद में सरकार को टैक्सेस भी तो देंगे ठीक है सो वो हम अगर फैक्टर प्राइस में ऐड कर दें माइनस कर दें सब्सिडीज सरकार जो सब्सिडीज देती है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक्ड लिंक्टिव होते हैं काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस 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 इज इक्वल टू फैक्टर प्लस इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज ये एक और फॉर्मूला है विच यू शुड रिमेंबर सो दिस वॉज अबाउट नेट अबाउट जी डी पी एन रिलेटेड टर्म्स और नेशनल इनकम क्या है नेशनल प्रोडक्ट के बराबर है और ये कैलकुलेट किस पे होता है मार्केट प्राइस पे ठीक है सो so, अब देखते हैं क्वेश्चन सो नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग देख लिया हमने इट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस ठीक है तो ये सिंपल से अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे छह क्वेश्चन आपके पहले इजी से समझ आ जाते हैं कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम ठीक है इट इज इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट इज इंट इट ऑब्वियस ग्रॉस नेशनल इनकम हमने देखा कि जो जी एन पी के बराबर होगा वुड बी इक्वल टू जी डी पी प्लस नेश नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड सो अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को अगर निकालते तो जीडीपी में तो रेजिडेंट्स का आ ही रहा है ओके सो फर्स्ट विल बी देयर second it is income earned by country's residents and non residents both this is incorrect kyunki तो non residents ka to तो non factor income mein bhi nahi aa raha theek hai it is calculated market price by nso ye humne pichle mein dekha hai theek hai ki market price pe calculate kiya jata hai aur nso again important fact ki gnp और nnp nso release karta है. national statistical office hota hai which is an organization which releases लॉट ऑफ इकोनॉमिक डॉट डेटा ये एक चीज आपको याद रखनी चाहिए इट इज इक्वल टू जी डी पी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सी फॉर्मूला में नेट फैक्टर इनकम है इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ओके सो नेट फैक्टर इनकम ब्रॉड का अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे आंसर है वन एंड थ्री यानी कि ए ऑल राइट देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना इकोनॉमी so इकोनॉमी हो गया एनवाइ हो गया ये सब्जेक्ट मेमोराइजेशन तो है बट कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेडर दर्स्ट इज प्रोडक्ट टैक्सेज एंड प्रोडक्शन टैक्सेज बोथ आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जी कैलकुलेशन सी अभी हम लेट्स से हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है सो जी कैलकुलेट होगी ऑब्वियसली इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन द इकोनोमी और उसमें जो टैक्सेस दिए होंगे वो भी तो एड होंगे सो डजेंट मैटर अगर आपको एक गेस भी लेना हो तो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू ठीक है अब यह स्टेटमेंट मैं अभी बता रहा हूं आपको इट इज करेक्ट हमने एक कैलकुलेटिव गैस कॉन्सेप्ट यूज करके किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ये गलत है हमने पिछले स्टेटमेंट में देख लिया ठीक है कि नेट फैक्टर इनकम में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का नहीं है ये हमारे बाहर जाके कितना प्रोडक्शन हम हमारी कंट्री में आगे कितना कमा रहे हैं उसका रिलेशन है सो ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर सो अब प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस में ये डिफरेंस है प्रोडक्शन टैक्सेस जो है बेसिकली अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज की तो वो टैक्स आप पे लगेगा मैटर कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम का का क्वांटिटी कोई रिलेशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल लैंड रेवेन्यू पे टैक्स है लैंड से आप कितना रेवेन्यू ले रहे हैं वो उसका रिलेशन बहुत कम है स्टैंप ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन फीस है अगर आपने कोई अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा मैटर एक लाख का है या दस लाख का है ठीक है ये प्रोडक्शन टैक्स हो गया विच इज इटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं मैटर कर रहा प्रोडक्ट टैक्स इज बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल कर रहे हैं पर यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स ओके फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने बेसिक्स में अगर नहीं पढ़ा तो अगेन ये चीज मैंने समझा दी है प्लीज डू रेफर टू दिस ओके ना लेट सी वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्रीज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई सी वेलफेयर ऑफ द पीपल आप और मेरा वेलफेयर ठीक है ऑब्वियसली जी डी पी लगेगा कि हाँ एक मेजर हो सकता है वेलफेयर के लिए क्या है ग्रोथ तो होनी ही चाहिए बट पर कैपिटा इनकम भी हर एक इंसान की जो इनकम है वो भी ज्यादा होनी चाहिए एक इन सोसाइटी में अनइक्वल सोसाइटी में आ, वो पॉसिबल नहीं है ठीक है यानी कि सिर्फ जीडीपी विच मेजर्स ग्रोथ अक्रॉस द सोसाइटी जीडीपी के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी एक ये आता है कि वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिकली की कंट्री की इकोनॉमी कितनी ग्रोथ ले रही है उसको बताती है ना कि डिफरेंट सेक्टर्स क्या ग्रोथ हो रही है डिफरेंट इंडिविजुअल्स की क्या ग्रोथ हो रही है इनक्वालिटी कितनी है पॉवर्टी कितनी है ये सब चीजें जीडीपी के कंसिडरेशन में नहीं सो so, ये थर्ड और फोर्थ वुड बी इनकरेक्ट अब नेट नेशनल इनकम ये हमने देखा कि नेशनल इनकम है और पर कैपिटा बात आ गई यानी कि हर इंसान की कितनी एवरेज इनकम बन रही है सो so, अब ये तो सही है बट यहां पे दो चीजें हैं करंट प्राइसेस प्राइसेस होगी प्राइसेस करंट प्राइसेज में इंफ्लेशन का रोल आ जाता है और कॉन्स्टेंट प्राइसेज में इंफ्लेशन का रोल नहीं आता सो so, हमें वो चाहिए होगा जहां पे इन्फ्लेशन का रोल कम हो क्यों क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिवली कितना इनकम है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अगेन जीडीपी में प्रोडक्शन कम है बट इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से वैल्यू बढ़ रही है यानी कि जीडीपी का साइज इंक्रीज हो रहा है और उसके कारण पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज हो रही है ठीक है उस सिनेरियो में आप नहीं कह सकते कि बेस्ट वेलफेयर स्टेट के वेलफेयर लोगों का बताया जाएगा वेलफेयर लोगों का बेस्ट पता चलेगा जब इन्फ्लेशन एज अ पैरामीटर एज अज इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट सबसे कम होगा वो होगा पर कैपिटल नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस क्यों क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है उससे हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है और हर एक इंसान के हवाले कितना पैसा आ रहा है ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू सी एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए पहले इस क्वेश्चन के बारे में सोचना चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया लेट सी हुआ कंपनी है वो इंडिया में बिजनेस कर रही है इंडिया में ठीक है प्रॉफिट मेड बाय कंपनी जीडीपी और चाइनाजीएनपी जी डी पी की जी डी पी की इकोनमी ठीक है, है अब चाइनीज कंपनी इंडिया में आके प्रोड्यूस कर रही है टैक्सेज यहां पर पे, पे करेगी प्रॉफिट का एक पोर्सन जो होगा वो टैक्सेज के फॉर्म में यहां पर देके जाएगी तो ऑब्वियसली इंडिया की जीडीपी में एड होगी तो जी एन पी जीएनपी का फॉर्मुला हमने देख लिया कि नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें कंसिडरेशन है और क्योंकि चाइनीज यूनिट यहां पर प्रोड्यूस कर रही है तो वो उनके नेशनल फैक्टर इनकम में पॉजिटिवली जाएगा दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो ट्रू सो आंसर शुड बी सी ठीक है इस क्वेश्चन के बारे में आराम से बैठ के सोचिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अगेन uh, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ या फिर पढ़ना है तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस नेशनल इनकम के रिगार्डिंग क्या ट्रू है इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्सेस हमने ऑलरेडी देख लिया कि हा दिस इज ट्रू ठीक है इट इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सी ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी और जीएनआई दिस इज अनादर फैक्ट दैट यू रिमेंबर अब ट्रांसफर पेमेंट्स का क्या मतलब है है ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब दे आर सेंट टू अस फॉर एक्साम्पल थ्रू रेमिटेंसिस अगर आपका कोई रिलेटिव आपके घर का कोई आपका बेटा भाई कोई अगर बाहर गया हुआ है और वहां पे काम करके कुछ पैसे भेज रहा है आपको पर्सनली सो so, वो जो होगा दैट वुड वुड बी बी अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट ठीक है सो रेमिटेंस इज नॉट पार्ट ऑफ जी एन पी और जी एन आई दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एट ए वुड बी द करेक्ट आंसर अब मैं थोड़ा जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं तो उनपे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को टच कर पाए इसके अलावा आपको तो अगर कोई डाउट है देन अगेन लेट मी नो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करूंगा उनको थर्टीन क्वेश्चन विच फॉलोइंग दूट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी सी इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ये बेसिक आप डेफिनेशन याद रख लीजिए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन विच क्रिएट एन एसेट और रेड्यूसड लाइबिलिटी ठीक है कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं विच डोंट गेट यूज हमने पहले कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखी है ठीक है और वो ओवर द इयर्स हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प करते हैं हमारे लिए एक एसेट होते हैं और उनको बेच के हम ज्यादा पैसा कमाते हैं उनको यूज करके हम इकोनॉमी इंप्रूव करते हैं ठीक है, so, अब इन में से देख लीजिए सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ही वही है, सो okay? सेकंड so, ही देख लिया कि रॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ सर्विस सर्विस जो प्रो, प्रोड्यूस हो रही है दैट इज नॉट अ कैपिटल गुड सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर अगर आप शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है वो आपके लिए Uh, एक ना आपके लिए एसेट है ना आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है क्यों क्योंकि वो किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में फिर से यूज नहीं हो रहा सो आंसर राइट आंसर इज बी अब अगला क्वेश्चन फिर से देखिए कि ऑफ द द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनोमी सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में पांच दस सेकेंड पॉज कीजिए और सोचिए अब मैं आंसर अगर मैं देखूं तो इंप्योर कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी यस हम खरीद के एक मशीन ला रहे हैं इंडियन इकॉनॉमी में ओके okay. जो प्रोड्यूस करेगी लेट सेन तो वो इजेंट दैट इन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकॉनॉमी कैपिटल गुड्स का इन्वेस्टमेंट हो तो डेफिनेशन uh, यही है डजेंट मैटर कि वो इंपोर्ट हो रही है एक्सपोर्ट हो रही है या हम खुद बना रहे हैं

इकोनॉमी में अगर हाई है तो पहले लॉजिकली सोचते हैं ठीक है और इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन का यूज होगा पांच सेकंड बैठ के सोचिए और कीजिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं हूँ मीनवेल पॉज कर दीजिए सेविंग रेट्स हाई हैं यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा रहे हैं सो अगर आपके पास सौ रुपए है आप तो लेट से चालीस रुपए बचा रहे हैं और किसी इकोनॉमी में सेविंग रेट्स कम है तो वो सौ की जगह बीस रुपए बचा रहे हैं यानी कि आपके पास खर्चने के लिए साठ रुपए यहां पे और यहां पे अस्सी रुपए हैं, तो साठ रुपए वाला कम खर्चेगा कम चीजें कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू अस्सी रुपए वाला यानी कि सेविंग रेट ज्यादा होगी यानी कि इसका मतलब है लोअर कंज़म्पशन होगा यानी कि स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग और अब आप आइए ऑप्शन पे हाउ दिस इज हाउ एलिमिनेशन पे प्लीज आपने एक ऑप्शन ऐसा एलिमिनेट किया जिससे बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे सेकंड इज यानी कि ये 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 भी 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 गलत 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 है 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 और यू गेट आंसर बी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बाकी को. You know. आपको जितना पता है उसमें भी अगर आप अच्छे से कर लें तो there is a very good chance कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे ठीक है? है? है है अब देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है? Could be true. Higher investment? हाँ, हो सकता है कि अगर आपके पैसा ज़्यादा बच रहा है, तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करें आपके पास इकोनॉमी में इतना पैसा हो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा कि वो लोन ज्यादा दे पाएंगे जिसके कारण नई ज्यादा क्रिएट होंगी इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्रिएट होगी हायर सी मस्ट होता तो आंसर शायद अलग होता बट यहां पे कुड भी है तो हायर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाए कि आप बाहर के देश में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें ठीक है सो दिस इज हाउ इट वर्स एंड आई होप अभी तक जितना मैंने पढ़ा है आपको क्लियर होगा कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सजेस्ट इट टू अदर फ्रेंड्स फ्रेंड्सो हम ये पूरी जर्नी जो है तो विल कंटिन्यू दिस एंड Thank you.